पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में आज पंजाब कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक के बाद कृषि मंत्री कुलदीप धालीवाल ने कहा कि सीएम स्वयं फाजिका के किसानों के लिए तेज बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के अनुसार मुआवजा राशि देंगे और इसके बाद कृषि मंत्री ने बताया कि सीएम मान 13 अप्रैल को अबोहर में किसान से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करेंगे और चेक देंगे। और इसी के साथ उन्होंने बताया कि पहली बार होगा कि फसलें खराब होने के बाद और उनके साथ ही मुआवजा राशि दी जाएगी और इसके अलावा कृषि किसानों को मौका देकर वहां पर बातचीत करने के लिए मंत्रियों की ड्यूटी भी लगाई गई ताकि किसानों को जो मुआवजा राशि हासिल करने के लिए किसानों को कोई भी परेशानी ना हो और सभी प्रभावित किसानों को मुआवजा राशि जो है वो जल्द से जल्द मिले और चेक के माध्यम से मिलने की बात कही। और वहीं मंत्री धालीवाल ने राज्य सरकार के द्वारा किसानों की सहकारिता, आपको बता दें कि किसानों के लिए सहकारी बैंकों में किस्त माफ किए जाने के लिए बात कही और साथ ही उन्होंने बताया कि इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक पर कई अहम मुद्दों पर भी मुहर लगी। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप सिंह जुड़ चुके हैं। जी संदीप, पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक जो है वो खत्म हो गई है और किन किन मुद्दों पर जो है जोर दिया गया है, एक बार पूरी अपडेट। पंजाब में मंत्रिमंडल की बैठक जो है पंजाब के मुख्यमंत्री उसने बताया कि फैसले लेने की बात की जाए तो जो 15,000 एकड़ की जमीन है वो कही गई जिससे फसलें जो है किसानों की खराब हुई है और गिरदावरी की जा रही है। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि अब जो है मंत्री भी खुद जमीन पर उतरेंगे, लोगों के पास जाएंगे, किसानों के पास जाएंगे और वहां पर जाके जो है गिरदावरी करते हुए नजर आएंगे, साथ में पटवारी भी होंगे और कहीं ना कहीं जो उनकी फसलें खराब हुई है उनको जल्द से जल्द जो है जो बनती राशि वो दी जाएगी। हालांकि ये भी कहा है कि किसानों से एक दिन पहले ही जो है उनके खातों में जो है पैसे डाल दिए जाएंगे तो चेक दिए जाएंगे बकायदा और कई जो है इनके खातों में जो पैसे डाल दिए जाएंगे। और अबोहर में एक प्रोग्राम रखा गया है जिसमें कि मुख्यमंत्री भगवंत मान खास तौर पर हाजिर होंगे और किसानों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे और चेक बांटते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं बड़ी बात है, पहले कभी पंजाब में ऐसी बात नहीं हुई है कि मुख्यमंत्री खुद जो है इस जगह पर खुद मुआयना करते हुए नजर आ रहे हैं, खुद गोदावरी कैसे करवा रहे हैं वो नजर रखते हुए आ रहे हैं और विसाखी से पहले ही जो है पैसे देते हुए नजर आएंगे। पहले हालांकि देखा गया पिछले सरकारों में कि गोदावरी जो है की जाती थी पर पैसे जो फसल के बाद में आते थे, खराब फसल हो चुकी है और किसानों को जो है पैसे मिलते थे, किसी को नहीं भी मिलते थे, पर इस बार जो है पंजाब के मुख्यमंत्री खुद गंभीरता से ये मामला देखते हुए नजर आ रहे हैं और विसाखी से पहले जो है किसानों को उनकी फसल खराब हुई है उनको 15,000 प्रति एकड़ देते हुए नजर आएंगे। और अबोहर में ये सारा प्रोग्राम किया जाएगा। और अगर कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धारीवाल की बात माने तो उन्होंने यही भी कहा है कि अबोहर में जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं इससे और सरकारें भी कहीं ना कहीं हरियाणा की बात करें तो आस पास के राज्यों की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं एक चीज से सेध देती हुई नजर आएगी कि अगर पंजाब सरकार पहले ही फसल कटने से पहले ही जो मुआवजा दे रही है उनको भी कहीं ना कहीं सेध ऐसे मंत्री नजर आएगी। जी संदीप, जिस तरह से बात कर ली जाए, लगातार पंजाब सरकार किसानों के लिए हमेशा सतर्क दिखाई दी और हमेशा किसानों के बेहतरी के लिए पंजाब सरकार के द्वारा कार्य किए जाते हैं, तो अगर बात कर ली जाए कृषि को लेकर, कृषि मंत्री को क्या इस बैठक में निर्देश उनके द्वारा दिए गए? जी बिल्कुल, कृषि मंत्री की तरफ से यही बताया गया है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि खुद मंत्री जो है वो खेतों में जाए, किसानों से बातचीत करे, फसलें देखे और सेंटर से जो टीम आई हुई थी उनसे भी कहीं ना कहीं बात जो है कृषि मंत्री की हुई और देखा गया कि फसलें जो है काफी खराब हो चुकी है और दाने की बात करें, गेहूं के दाने की बात करें तो वो पहले की तरह नहीं है, वो बिल्कुल जो है सूख कर पतले हो चुके हैं जिसके चलते फसलों का नुकसान जो है काफी हुआ है और झाड़ जो है गेहूं का वो होता था वो झाड़ जो है बिल्कुल कम होता हुआ नजर आया है। और किसान पहले ही अगर देखा जाए तो कर्जा लेकर फसलें जो है उगाता है, इसी के चलते अब किसान जो है कर्जा उतारेगा तो कैसे उतारेगा, ये कहीं ना कहीं सारे मुद्दों को देखते हुए जो है कैबिनेट हुई है और कैबिनेट में ये बात साझा की गई है कि किसानों को जो है विसाखी से पहले ही जो कर्जा है जो मुआवजा है जो उनके कर्जे पर लिया गया है तो कहीं ना कहीं मुआवजा जो है उनको नजर आएंगे।
जी संदीप, अगर बात कर ली जाए खराब फसलों की, तो कितना प्रतिशत जो है या कितना आकलन किया गया है कि कितनी प्रतिशत फसल खराब हुई है और कितने प्रतिशत किसानों को मुआवजा दिया जाएगा? देखिए लगातार जो है अभी भी गोदावरी चल रही है, अभी कहना कुछ संभव नहीं होगी कितने परसेंट जो है अभी तक गोदावरी चलेगी है। गोदावरी चलती भी दूर नजर आ रही है, मंत्री खुद घूम रहे हैं, एमएलए खुद घूम रहे हैं और सब जो पंजाब के मुख्यमंत्री इन पर सब तक निगाह रख रहे हैं कि गोदावरी कैसे हो रही है। सख्त ऑर्डर जो है पटवारी को दिए गए हैं कि ऑफिस में बैठकर जो है गोदावरी न की जाए, जमीन पर उतरकर गोदावरी की जाए ताकि पता लग सके कितने फसलें जो है खराब हुई है और लगातार कितनों को जो है मुआवजा देना है। मुआवजे की बात करें तो 15,000 प्रति एकड़ जो है मुआवजा पंजाब सरकार इस बार देती हुई नजर आएगी। जी जी संदीप, जिस तरह से लगातार पंजाब सरकार जो है मुआवजे का ऐलान कर रही है और कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि पंजाब सरकार खुद या फिर मान कहे तो भगवंत मान खुद खेतों में जाके उनके द्वारा मौका मुआयना किया गया, निरीक्षण किया गया। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए राघव चड्ढा की, राघव चड्ढा भी खुद जो है रोपड़ की खेतों में घूमते हुए नजर आए, साथ में उनके जो एमएलए है रोपड़ के दिनेश चड्ढा वो भी कहीं ना कहीं घूमते हुए नजर आए और ये भी देखा गया कि फसलें जो गिरी है उनके नीचे से फंगस भी लग चुकी है। ये भी जो है सेंटर की टीम ने नोट किया है कि कैसे जो है फंगस लग चुकी है, किसानों को जो दिक्कतें आ रही है उसको कहीं ना कहीं जो कुदरती मार पड़ी है उसके ऊपर लगातार जो है टीम जो है वर्क करती हुई नजर आई है और साथ के साथ केंद्र को भी एक चिट्ठी लिख दी गई है किसानों का जो कनक खराब हुई है वो कैसे जो है मंडियों में जाएगी, मंडियों से कैसे जो है खरीद की जाएगी। जी